हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फैन की रेसिपी, जिसे खारी भी कहते हैं। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही क्रिस्पी होती है। चाय के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। खारी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और बाउल में एक कप मैदा ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया है, आप चाहें तो दो कप मैदा भी ले सकते हैं। उसके बाद दो पिंच नमक ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें अजवाइन का भी फ्लेवर आए तो आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। उसके बाद इसमें मोइन के लिए ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने 1/4 कप लिया है। अब हम इसे अच्छे से बिल्कुल मोइन कर लेंगे। अच्छे से मोइन करें ताकि जो लेयर्स हैं ये बहुत अच्छे से बनते हैं। फिर अच्छे से मोइन कर लेंगे। अब इसे मुट्ठी बना के एक बार देख लीजिए। अगर मुट्ठी अच्छे से बन रही है, इसका मतलब ये है कि मोइन जो है बहुत ही अच्छे से हुई है। अब हम इसका एक डो रेडी कर लेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका एक डो रेडी करेंगे। डो जो है बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम सा डो बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डो बना लिया है। अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद डो जो है थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। अब हम इसे हल्का सा और मसल लेते हैं और ये बिल्कुल रेडी है फैन बनने के लिए। तो अब चलते हैं हम फैन बनाने के लिए। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, 2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम 2 चम्मच मैदा ऐड कर देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे इसलिए बनाना है ताकि जब हम रोटी बनाएं उसके ऊपर लेयर्स के ऊपर इसे लगाना होता है, जिससे कि लेयर्स बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे अलग रख देते हैं। डो में से रोटी जितनी साइज़ एक बॉल ले लेते हैं और उसमें सूखा मैदा लगाकर अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। रोटी जिस शेप में हम जितना बड़ा बनाते हैं उतना बड़ा हम रोटी बना लेंगे। अगर आप चाहें तो छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रोटी बना ली है। इस प्रकार से हमें 4 रोटियाँ रेडी करनी है ताकि लेयर्स जो हैं थोड़ी अच्छी बने और थोड़ी जो हमारे फैन बनेंगे थोड़े बड़े बड़े बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बॉल लिया और इसे भी सूखा मैदा लगा लें और अच्छे से बिल्कुल रोटी का शेप दे देंगे। रोटी बना लेंगे, ये तो रोटी जैसा ही है, बिल्कुल रोटी के जैसे बनाना है, जैसे कि मैदा का हम रोटी ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरी जितनी भी डो थी उसकी रोटियाँ रेडी कर ली है। तो यहाँ पे 5 रोटी जो है बना है। अब हम देखिए, यहाँ पे मैंने 5 रोटियाँ रेडी कर ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो पेस्ट बना के रखे थे जिसे साटा भी कहते हैं, उसे रोटी के ऊपर लगा लेंगे और अच्छे से बिल्कुल हाथ की हेल्प से फैला लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पे इसे अच्छे से बिल्कुल फैला लेंगे। उसके बाद अब हम इसे एक रोटी और रख देंगे और इसके ऊपर भी हम वही साटा जो हमने एक पेस्ट बना के रखा है मैदे का ऑयल के साथ में, उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से फैला लेंगे। ऐसा हमें जितनी भी रोटियां हैं, 5 रोटी या 4 रोटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी रोटियां रख दी है। ये लास्ट में थोड़ा सा छोटा बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी रख देते हैं और ऊपर से ये पेस्ट लगा के इसे अच्छे से फैला दे लेते हैं। अब इसे रोल करना है। तो देखिए किस प्रकार से मैं कर रही हूँ। पहले इसे अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, हल्का सा मोड़ लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए रोल कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसे रोल कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है अब हम उसमें हल्का सा पानी लगा लेंगे ताकि वो खुले नहीं, अच्छे से चिपक जाए बिल्कुल उसमें, और हल्का हल्का प्रेस करते हुए रोल कर लेंगे। और चकले पर थोड़ा सा हम इसे इस प्रकार से घुमा देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है उसे कट करके निकाल देंगे। उसके बाद अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से कट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो चौड़ा कट कर ले, अगर थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो पतला कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसकी जो लेयरिंग है बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। तो बस इस प्रकार से हम इसे कट कर लेते हैं, बिल्कुल ईजिली कट हो जाएगी ये। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। इसकी लेयर्स बहुत ही अच्छी अभी दिख रही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं एंड इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। तो जिस साइड से आपको लेयर दिख रही है उस साइड से हमें नहीं बेलना है, बीच से बेलना है। तो पहले हाथ से इसे अच्छा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें
सूखा मैदा लगा लेंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन चलाएं इसके ऊपर और हल्का हल्का बेलें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसे और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, बस हल्का हल्का बेल लेंगे। और थोड़े से लंबे साइज़ में जब ये हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम जितना भी हमारे पास पीसेस बचे हैं सबको हम बेल लेते हैं। पहले सूखा मैदा लगा लेंगे वरना ये एक दूसरे में चिपक सकती हैं, इसलिए सूखा मैदा लगा कर हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस करते हुए हम बेल लेंगे और साइज़ में थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी पीसेस को बना लिया है। अब चलते हैं हम इसे तलने की प्रोसेस में। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हल्का गर्म रखें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो ऑयल जो यहाँ पे परफेक्ट गर्म है तो हम इसमें पीसेस को ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर फैन को हम फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई होगी, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का गोल्डन रखेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें। बस देखिए ये पीसेस जो हैं अच्छे से फूल रही है और ऊपर आ गई है फूल के। अब हम इसे पलटते हुए फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए हम इसे फ्राई करते रहेंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे फैन का कलर जो है चेंज हो गया है, अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी फैन बनी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी फैन है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे भी खाना चाहते हैं ना तो ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं इसे चाय के साथ सर्व कर लेती हूँ। तो एक प्लेट में हम फैन को पहले सर्व कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें चाय रख देंगे और चाय के साथ इंजॉय करेंगे। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, चाय के साथ ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको नहीं पसंद आई हो तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको क्या नहीं पसंद आया। और अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी और एक ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।